आप सभी का एक नए वीडियो में। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है भाई, नवरात्रि स्टार्ट हो गया है और जैसे कि मुंबई में गणेश चतुर्थी धूमधाम से मनाया जाता है, वैसे ही कोलकाता में भाई दुर्गा पूजा भाई बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। और हम अभी कोलकाता में और कोलकाता के भाई अभी सियालदह स्टेशन के पास हैं और ये जो धूम नगाड़े आप सुन रहे होंगे, ये भाई यहाँ पे कोई शादी नहीं है, कोई पार्टी नहीं है। स्टेशन से पे भाई कौन शादी करेगा, क्या पार्टी रहेगा, लेकिन उसके बावजूद भी इतना सारा शोर हो रहा है। ये मैं आपको अभी दिखाऊँगा कि भाई यहाँ पर चल क्या रहा है, कितने लोग भाई यहाँ पर ढोल नगाड़े सब बजा रहे हैं और ऐसा क्यों है, ये सारा कुछ मैं आपको बताऊँगा। तो आप वीडियो पर भाई बने रहिएगा। एक किलोमीटर के दायरे में यहाँ पे आप देख सकते हो, जस्ट स्टेशन के नज़दीक के आसपास में ही ये लोग एक किलोमीटर तक ये लोग फैले हुए हैं। मतलब कितना लोग हैं भाई, लगभग 500 लोग तो होंगे इतना ढोल के लिए हुए। और ये सभी के पास भाई अलग अलग इंस्ट्रूमेंट जैसा है, सभी के पास अलग अलग ढोलक। इस साइड में आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार का ढोल है जो ये लोग बजा रहे हैं। और अलग अलग भाई सभी ग्रुप में ग्रुपिंग करके सभी के पास अलग अलग तरह का ढोलक है और सभी अपना अपना इस्तेमाल कर रहे हैं।
भाई कहीं भी नहीं देखा होगा आपने। ये जो भाई कोलकाता में दुर्गा पूजा मनाया जाता है भाई, मैं भी फर्स्ट टाइम यहाँ पे देख रहा हूँ। जब से पूजा भाई स्टार्ट होता है जिस दिन से, उसी दिन से ये लोग यहाँ पे आ जाते हैं। और भी भाई मैंने बहुत सारी बातें इन लोगों से पूछी है जो इन्होंने बताया है, तो मैं यार आपको साइड में चलकर आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात, सभी के पास भाई अलग अलग तरह का ढोलक है, सभी लोग के पास अलग अलग इक्विपमेंट्स है। और भाई यहाँ पे लगभग 500 से करीब तो होंगे 500 लोग यहाँ पे ढोलक नगाड़े लेकर बैठे हैं। और ये भाई 24 आवर्स दिन रात ये यहाँ पे बजाते हैं। और भाई इनके खाने रहने का व्यवस्था भी यहीं पे रहता है, यहीं पे लोग रहते हैं और खाते भी है यहीं पे पास में होटल में भाई, जो कंट्रेन के थ्रू आते हैं। ठीक है, बाकी भाई मैंने तो भाई ऐसा फर्स्ट टाइम देखा है कहीं पे इस तरीके से पूजा स्टेशन के बाहर भाई इतने सारे ढोल नगाड़े वाले लोग आके यहाँ पे ढोल बजा रहे हैं भाई। ये तो आपने यदि देखा है तो आप भाई कमेंट करो किस एरिया में भाई इस तरीके का पूजा होता है। अभी जो आप वीडियो देख रहे थे वो थी कल की वीडियो, और मैं फिर से आ गया हूँ भाई सियालदह स्टेशन में। और मैं इसलिए आज के डेट में आया हूँ क्योंकि भाई कल पता चला था, जैसे कि इन्होंने हमें बताया था ढोल वाले ने कि ये जितने दिन पूजा यहाँ पे चलती है उतने दिन तक ये लोग यहाँ पे गान बजान करते हैं, उसके बाद लास्ट में जाते हैं। लेकिन हमें भाई लोकल आदमी से यहाँ से पता चला कि ये लोग उस तरीके से नहीं करते, बल्कि जिनका बुकिंग नहीं होता है, जिनका ढोल बाजा बजाने का काम है, वो लोग जिनका बुकिंग नहीं होता है वो यहाँ पे आते हैं स्टेशन के बाहर इस प्रकार से आते हैं। और वो भाई अपना प्रदर्शन करते हैं कि मतलब अपना परफॉर्मेंस करके दिखाते हैं लोगों को कि मैं इस तरीके से बजा सकता हूँ। तो उसको देख कर मतलब जो पंडाल के लोग हैं जो आसपास में ये पूजा कराते हैं, तो वो लोग इनको आकर बुक करते हैं, वो खाना पीना मतलब जो भी बातें रहता है वो लोग इनको बुक करते हैं, और यही लोग फिर वहाँ पे जाकर परफॉर्मेंस करते हैं, है ना। तो ये इसलिए नहीं रहते हैं कि यहाँ पे दुर्गा पूजा हो रहा है तो ये जितने दिन तक गान बजान करेंगे, ये इसलिए रहते हैं क्योंकि इनका बुकिंग नहीं हुआ रहता है, तो ये बुकिंग के पर्पज़ से यहाँ पर रहते हैं ताकि कोई देख कर इनका परफॉर्मेंस चेक कर लेने के बाद इनको बुकिंग दे, है ना। ये भाई मैं इनसे बात कर रहा था, ये कुछ लोग कुछ और बता रहे थे, कुछ और बता रहे थे, इसलिए मैं आज के डेट में दूसरे दिन मैं यहाँ पे आया हूँ चेक करने के लिए कि क्या ये सही है या फिर गलत है जो मेरे को यहाँ का लोकल ने बताया। तो ऐसा तो सही दिख रहा भाई क्योंकि उतने लोग नहीं हैं। और आज है सप्तमी भाई, षष्ठी ख़त्म हो गया, आज है सप्तमी, और आज आप देख सकते हो कि बहुत ही कम लोग यहाँ पर दिख रहे हैं, बहुत कम लोग देख रहे थे कल के। आप इसके पिछले वाले वीडियो में देख रहे होगे कि कितने लोग हैं, पूरा ये एरिया भाई पूरा भरा हुआ था, लेकिन आज के डेट में आप देख रहे हो बहुत ही कम लोग हैं भाई। तो भाई इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, और आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।